नमस्कार दोस्तों, जानती हूँ कि लॉकडाउन का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है और हम सबको बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। बट देखिए, इसका कोई सल्यूशन नहीं। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो लॉकडाउन का पालन तो करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान कुछ नया अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें की हैं। अगर मेरी बात करें तो मुझे पहले जो लॉकडाउन के पहले जो मैं महिमा सिंह थी, मुझे कभी भी डॉग्स जो थे वो पसंद नहीं थे। मुझे उनसे डर भी लगता था और मुझे अच्छे नहीं लगते थे। बहुत से लोग थे जिनके पास पेट्स थे, उनके पास डॉग्स थे, उनको अच्छे लगते पर मुझे कभी पसंद नहीं आए। तो क्या हुआ, जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो मैं घर पर रहती थी, तो मैं शाम को बालकनी में जाया करती थी। और एक दिन जब मैं बालकनी में गई तो 3-4 जो डॉग्स हैं वो ऊपर देख रहे थे बालकनी में। मेरे पास कुछ था नहीं, बस बिस्किट्स पड़े थे, मैंने बिस्किट्स दिया। आप मानेंगे नहीं, अगले दिन से वो लोग रोज़ आने लगे और फिर मेरी दोस्ती भी हो गई। और अब वो डॉग्स जो हैं वो 7 o'clock के अराउंड नीचे आते हैं, अपने पूंछ हिलाते। मैं समझ जाती हूँ कि उनको कुछ चाहिए, तो मैं उन्हें जाके बिस्किट्स दे देती हूँ, पानी दे देती हूँ। तो मेरी उनसे दोस्ती होगी। मतलब मैं लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरी कभी डॉग से दोस्ती होगी, पर मुझे वो पसंद भी आ गए हैं अब। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है उनके साथ और उनसे दोस्ती भी हो गई है। चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मेरे लॉकडाउन की कहानी ये है कि मैं लॉकडाउन की वजह से अपने घर का गार्डनर खुद बन गया। लॉकडाउन शुरू होते ही गार्डनर ने आना बंद कर दिया, तो मैंने देखा कि कुछ दिनों में पौधे ख़राब होने लगे, तो मैंने उनमें पानी डालना शुरू कर दिया। तो उससे मैंने देखा कि नहीं, इसमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने 1 घंटा देना शुरू कर दिया। पहले मैं 1 घंटा देता था, अब मैं थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ। तो सफाई, कटिंग्स, थोड़ी उसमें यू नो किचन का कुछ वेस्ट डालना, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं उससे। तो लॉकडाउन से ये हुआ कि मैंने अपने गार्डन की यू नो देखभाल खुद की, उसको मरने से रोका। और मुझ में अब ये ऐसी एक चाहत हो चुकी है कि मैं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मैं अपने गार्डन की यू नो देखभाल खुद करूँगा। गार्डनर को बुलाऊँगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि उनको निकालूँगा। और ऐसा है कि मैं, हो सकता है इसमें लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कुछ एक्सटेंशन करूँ, उसमें कुछ नए पौधे लाऊँ और इसको अपना एक डेली रूटीन बनाऊं, ताकि इसमें मेरा कुछ स्पेयर टाइम गुजरे। तो ये थी मेरी लॉकडाउन की कहानी। चले देखते हैं अब अगली कहानी। लॉकडाउन के पहले मैं अपनी टाइम ज़्यादातर अपनी दोस्तों के साथ या अपनी ऑफिस में बिताती थी, पर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है अपनी टाइम में फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ और वो अच्छा लगने लगा है। जब सब कुछ नॉर्मल था तो कोई भी अपनी फैमिली की तरफ इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, इतना हमेशा बिजी रहते थे, पर अभी सब अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं। लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया है कि मुझे और हम सबको अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बस अभी के लिए नहीं पर लॉकडाउन के बाद भी। तो चलिए जानते हैं अगली कहानी। हाय, तो मेरा लॉकडाउन स्टोरी ये है कि, अच्छा वेट, उससे पहले आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, अपन को ज़िंदगी में कुछ डेयरिंग करना है। तो मैंने डिक्शनरी पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, सही सुना आपने, डिक्शनरी। ऐसे कुछ 10 शब्द नहीं पढ़ती हूँ मैं दिन के, सिर्फ 2 शब्द पढ़ती हूँ, वो भी मुझे कभी कभी याद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, सोने से पहले फिर से वो 2 शब्द पढ़ती हूँ ताकि मुझे याद रहे, वो एक चीज़ करी। दूसरा तो मैंने है ना लिखना शुरू किया, ऐसा कुछ हैपनिंग नहीं लिख रही हूँ मैं, बट हाँ शायरी और पोइट्री लिखना शुरू किया। तो जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही थी, मुझे अचानक से 2 लाइनें याद आई। तो सुनिए कि ऐ ज़िंदगी तू हमें कैसे दिन दिखा रही है, ऐ ज़िंदगी तू हमें कैसे दिन दिखा रही है, बट कहीं ना कहीं तू हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि महिमा ने आपको अपनी पॉजिटिव स्टोरी बताई है, मैं अपनी पॉजिटिव स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। खाना बनाना जो था वो मेरे लिए बहुत ही अपहिल टास्क हुआ करता था, और अगर मेरा बस चलता था तो मैं मतलब पानी भी जला दिया करता था। और जैसे लोग कहते हैं कि मैगी बनाना सबसे आसान है, वो भी मेरे से नहीं होता था। बट अब थोड़ी सी चीज़ें पहले से बेटर हुई हैं। आई वुडेंट से कि मैं कोई मिशलिन स्टार शेफ हो गया हूँ, बट हाँ अब ये है कि चीज़ें पहले से काफ़ी बेटर हो गई हैं और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर साबित हो रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, 4 दीवारी में बंद है। तो आई थिंक मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, आई एम रियली लविंग इट। तो ये है मेरी पॉजिटिव स्टोरी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव स्टोरी की तरफ। गाइस हाय, सो मेरी लॉकडाउन स्टोरी ये रहेगी कि मैंने एक नया लैंग्वेज बोलना सीखा है। तो वो लैंग्वेज है स्पेनिश।
सो अब उसमें जैसे मैं आप लोगों को हेलो बोलूँगा कि खुला गाइस। तो ये था हम सबका लॉकडाउन स्टोरी। अगर आपकी भी कोई लॉकडाउन स्टोरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं या वीडियो बनाकर ज़रूर भेजें। हम सब वीडियोस का एक कंबाइन करके एक वीडियो बनाएंगे और उसे बाद में रिलीज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ़।